हाय गाइस, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मिस्टर राजू से। राजू जो कि रेशम कीट पालन में बहुत ही माहिर हैं और मैं इसलिए आपका परिचय करवाना जा रहा हूं। जो भी हमारे रेशम कीट पालन से जुड़े हुए कृषक हैं, जो रेशम उत्पादन करते हैं, उन लोगों को कुछ ऐसी तकनीकी जानकारी है जो उनके रेशम उत्पादन में लाभदायक हो और वे उसका अच्छा उत्पादन कर सकें, अपनी आर्थिकी को बढ़ा सकें और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकें। उनके लिए हम बताने जा रहे हैं इसमें जो बहुत ही मुख्य चीज है, चौकी कीट पालन। चौकी कीट पालन एक ऐसी चीज है, जब कीड़े का अंडा जो प्राप्त होता है रेशम कीट का, उस अंडे से फिर कीट निकलता है और जो कीट से अंडा अंडे से कीट निकलता है उसके बाद जो 10 दिन की करीब स्टेज होती है वो एक कीड़े के लिए सेसव अवस्था या नर्सरी स्टेज होती है। उस समय वो बहुत डेलिकेट और संवेदनशील होता है, इसलिए उस समय उस कीड़े को बड़ी ही स्किल्ड कंडीशन में और नियंत्रित दशाओं में कुशलता के साथ पाला जाना होता है जिससे कि वो एक हेल्दी कीट के रूप में विकसित हो सके और ज्यादा से ज्यादा रेशम का उत्पादन कर सके। तो उस कुशलता को किस प्रकार से उस कुशलता पूर्वक उस दौरान हम कीड़े को पालेंगे अंडे से बताएंगे आपको सर राजू। सर ये हमारे पास रेशम की अंडा जब आता है सर, तो हम इसको जो है ब्लैक वॉशिंग कर देते हैं। ब्लैक वॉशिंग करने के बाद फिर उसको 72 घंटे तक हम इसको ब्लैक वॉश करने के बाद 72 घंटे तक नहीं देखते हैं। जब देखते हैं एक साइड से कुछ अंडा हमारे पास हैच होने लगा है, कुछ कीड़ा निकलने लगा है, तो हम इसको फिर सुबह ही इसको रोशनी हम लाइट दे देते हैं। लाइट देने के बाद सर इसको हम दो तीन घंटे तक इसको हम जो है रोशनी दे के रखते हैं ताकि हमारा कीड़ा जो है सारा हैच हो जाए अंडे से। जब अंडे से हैच हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसकी जो है इसको ब्रिशिंग लेते हैं, बारीक पत्ती काटेंगे, बारीक पत्ती काट के देंगे इसको। फिर आधे घंटे बाद इसको उठा लेंगे, अंडे से कीट को उठा लेंगे। फिर उसके बाद जो है उसको आधे घंटे बाद फिर हम इसको फिटिंग डालेंगे। फिटिंग डालने के बाद धीरे धीरे पत्ती अपने जो है खाना शुरू कर देगा, पत्ती खाएगा। चार टाइम इसको दिन में पत्ती डालते हैं हम, फिटिंग डालते हैं एक सुबह 6 बजे, फिर 11 बजे, 4 बजे, फिर नाइट को 9 बजे। फिर उसके बाद जो है ये 15 से 16 फिटिंग लेता है। फिर 15 से 16 फिटिंग से पहले इसकी सफाई कर देते हैं हम। सफाई करने के बाद ये मोल्ट में फिर जाता है धीरे धीरे। उसके बाद जब 15 से 16 फिटिंग ले लेगा फिर ये मोल्ट में बैठ जाएगा। उसके बाद जो है अपनी ये त्वचा की खाल जो है निकालता है, खाल निकालता है। फिर हम इसको जो है जैसे ही ये मोल्ट में जाता है हम उसका चूने से डस्टिंग कर देते हैं। चूना करने के बाद फिर इसको फिर उसके बाद जो है हम इसको 24 घंटे तक इसका भोजन बंद कर देते हैं। जब भोजन बंद कर देंगे फिर जैसे ही भोजन उसका बंद करा हमने फिर पत्ती जो है उसको खाने के लिए फिर जब सुबह को जब देंगे उसको 24 घंटे बाद तो जो है उसमें बीजेता हम डालते हैं। वो बीजेता हम एक मार्किंग वाला कपड़ा आता है उसको छिड़काव इस तरह से करते हैं कीड़े से। कीड़ों के ऊपर करने के बाद आधे घंटे के हम बाद में फिर पत्ती इसको देंगे। फिर ये भोजन अपना जो है खाना शुरू कर देगा। इसमें टेम्परेचर भी बहुत मान्य रखता है इसके लिए। इसमें से जैसे 27, 28, 26 ह्यूमिडिटी चाहिए हमें, 75, 80, 85 के लगभग चाहिए होती है। फिर उसमें अब ये हमारे पास ये कीड़ा कीड़ा देखो कीड़ा जो है ये हमारे पास ये फर्स्ट मोल्ट के बाद जो है सेकंड में जो है जाने वाला है। ये इसको हमने जो है फर्स्ट मोल्ट के बाद 7 फिटिंग दे चुके हैं हम। आठवीं अब देने जा रहे हैं इस कीड़े को। ये अभी 11 से 12 फिटिंग लेगा। फिर उसके बाद ये है सेकंड मोल्ट में बैठ जाएगा। फिर सेकंड मोल्ट के बैठने के बाद 24 घंटे का मोल्ट ये फिर रखेगा। फिर इसका मोल्ट आउट करने के बाद फिर हम ये किसान को कीट पालन के लिए दे दिया जाता है। किसान अपने पास भी कीट पालन करता है इसको। तो आपने देखा अभी कि कैसे इन्होंने जो है बताया आपको, इसमें इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया ब्लैक बॉक्सिंग। ब्लैक बॉक्सिंग ये जब इनको कीट का अंडा प्राप्त होता है तो उसके बाद उसको इन्होंने ब्लैक आर्ट्स में रखना होता है, यानी कि अंधेरे में उसको रखना होता है, उसी को ब्लैक बॉक्सिंग कहते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो 72 घंटे ही उसको ब्लैक आर्ट्स में रखते हैं जिसमें उसको कोई भी लाइट नहीं दी जाती है, और 72 घंटे बाद जब उसके लाइट दी जाती है तो वो अपने अंडों से हैच होकर के
बाहर कीट निकलने लग जाता है। तो ये इन्होंने ब्लैक बॉक्सिंग आपको बताई थी, और उसके बाद हैचिंग हुई, फिर ब्रशिंग हुई, और मोल्ट, इन्होंने एक शब्द मोल्ट का इस्तेमाल किया। मोल्ट का मतलब है कि वो अपनी स्किन को छोड़ता है और उस समय खाना कीड़ा बंद कर देता है। तो चौकी के दौरान ऐसे ही दो मोल्ट होते हैं, और अभी इन्होंने आपको कीड़ा भी जो है दिखाया कि ये इस समय फर्स्ट मोल्ट आउट होके बाहर है, और अभी इसको अगली फीडिंग दी जानी है। बिल्कुल जस्ट अभी थोड़ी देर में अगली फीडिंग दी जानी है। तो मेरे साथियों, कृषक साथियों, आपको जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर राजू का, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसका लाभ उठाएं।